एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैथ जीनियस में। पिछले वीडियो में हमने आयत के बारे में जान लिया था, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आयत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ आयत क्या होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का पहला सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 25 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा। देखिए सबसे पहले इसके ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है 1250 वर्ग मीटर, बी है 1350 वर्ग मीटर, सी है 1260 वर्ग मीटर और डी है 1460 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल मैंने आपको सूत्र लिखवाते समय बताया था, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में काउंट होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आपको देखना है आयताकार खेत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं आयताकार खेत की लंबाई। आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई बराबर है 50 मीटर, क्योंकि यहाँ क्रमशः लिखा है लंबाई और चौड़ाई। तो 50 लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी 25 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 25 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, खेत का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको हम लिख सकते हैं L गुणा B, क्योंकि लंबाई को L मान लें और चौड़ाई को B मान लें। तो यहाँ आपको करना होगा 50 का 25 में गुणा। अब देखिए 25 पंजे 125 और 0 का 0, यहाँ उत्तर आ गया हमारा 1250, क्योंकि मीटर गुणा मीटर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग मीटर। इकाई का विशेष ध्यान रखें कि क्षेत्रफल पूछा है या परिमाप पूछा है, उस पर हमें इकाई लगानी होती है। अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई होगी और परिमाप होगा तो वर्ग इकाई नहीं लगेगी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ये बेसिक नॉलेज है, आपको लग रहा होगा छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन छोटे छोटे सवाल हमें आएंगे तभी हम बड़े सवाल हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 मीटर और 3 मीटर है, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। पिछले सवाल में हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इस सवाल में हम विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 5 मीटर, बी 6 मीटर, सी है 8 मीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें फॉर्मूलों पे पहले ध्यान देना है, अगर हमें सूत्र याद होंगे तभी हम सवालों को अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, देखिए तो यहाँ पर लिखिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। अब इसका सूत्र लगाइए, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको हमने लंबाई को L माना है और चौड़ाई को B माना है, यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो आप देखिए विकर्ण की लंबाई L स्क्वायर, यानी हमें यहाँ पर अंडर रूट में यहाँ करना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 का 4 में गुणा, 4 चौक हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 16 और 9 हो जाएंगे 25। तो अंडर रूट 25 का अर्थ होता है 5, क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और 25 का वर्ग मूल करेंगे तो 5 आएगा। हमारा उत्तर आ गया 5, क्योंकि यहाँ पर मीटर दे रखा है तो यहाँ पर भी हम मीटर इकाई लगा देंगे। हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखिए विकर्ण की लंबाई का सूत्र यहाँ पर लगा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट करना है, तो आपको सूत्रों को विशेष ध्यान देना है। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल है, एक वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। इस सवाल को आपको दोबारा पढ़ना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है, यहाँ पहले दिया है वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, इसको विशेष ध्यान दें। यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर है तो यहाँ परिमाप दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए ऑप्शन पहला है 1024 वर्ग सेंटीमीटर, बी है 1025 वर्ग सेंटीमीटर, सी है 1204 वर्ग सेंटीमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर या इस चीज को ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करना है। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। यहाँ पर देखा वर्ग और आयत का परिमाप बराबर दिया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, वर्ग की भुजा, क्योंकि भुजा नहीं दे रखी है। तो वर्ग की भुजा यहाँ पर लिख दीजिए माना, माना वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर या x है, यहाँ वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो इस हिसाब से वर्ग का परिमाप हो गया 4x, क्योंकि हमें परिमाप दे रखा है 128, तो यहाँ पर 128 बराबर 4x होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 128/4, तो यहाँ पर हमारा x आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर x का मान आ गया 32 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसके नीचे लगा दीजिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सभी जानते हैं, एक्स स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, तो यहाँ पर x बराबर 32 आ गया, तो 32 का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। 32 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1024 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, 1024 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर आ गया। फिर से देख लीजिए सवाल को, यहाँ वर्ग की भुजा हमने x मानी है, परिमाप वर्ग का इसलिए लिखा है क्योंकि आयत और वर्ग का परिमाप बराबर था, तो जो आयत का परिमाप है वही वर्ग का परिमाप है, और वर्ग का परिमाप का सूत्र 4x है, तो इस हिसाब से हमने x ज्ञात किया है 128/4 करके, और वर्ग के क्षेत्रफल का उसके बाद हमने सूत्र लगाया है। बहुत ही अच्छा सवाल था, परीक्षा में आने लायक सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए चौथा सवाल है इस वीडियो का, बहुत ही अच्छा सवाल है। 120 मीटर की रस्सी से घेरा जाने वाला कौन सा आयताकार क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? ऑप्शन है ए 850 मीटर स्क्वायर, बी 950 मीटर स्क्वायर, सी है 750 मीटर स्क्वायर और डी है 900 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 120 मीटर की रस्सी से घेरने वाला आयताकार क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ सॉल्यूशन में मैंने एक चीज लिखी है, आप ध्यान से पढ़िए। यदि परिमाप बराबर हो तो आयताकार क्षेत्रफल सबसे बड़ा तभी होगा जब यह वर्ग हो। आपको वर्ग के बारे में ध्यान होगा कि वर्ग भी एक आयत होता है, क्योंकि आयत की शर्त क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और वर्ग में भी ये चीज लागू होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि चारों भुजाएं समान है, इसका मतलब आमने सामने की भी बराबर है, इसलिए वर्ग भी एक प्रकार का आयत है। तो ये चीज देखिए, परिमाप बराबर है तो आयताकार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या होगा, वर्ग होगा। तो हमें अभी क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर परिमाप दिया है, 120 मीटर की रस्सी से घेर रहा है, रस्सी घेरेगी तो चारों ओर घेरेगी, और चारों ओर घेरेगी इसका मतलब इसका परिमाप होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयताकार क्षेत्र की भुजा। तो हम यहाँ लिखते हैं आयताकार क्षेत्र, जो कि एक वर्ग है ना, तो यहाँ कोष्टक में वर्ग लिखते हैं, की भुजा। अब भुजा ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को पता है, परिमाप बटे चार। यहाँ पर लिख देंगे आयताकार क्षेत्र की भुजा 120/4। 120 यहाँ पर यहाँ दे रखा है, 120 मीटर की रस्सी है, तो 120/4 हमारा होगा 4 × 12 और 0 × 0, यहाँ पर 30 मीटर हमारी भुजा आ जाएगी। अब वर्ग की भुजा 30 मीटर है, तो आप देखिए यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 × 9 और 0 × 0, यहाँ पर हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर या 900 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए पांचवा सवाल है इस वीडियो का, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल या वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? ऑप्शन है 24, बी 48, सी 72 और डी है 96 यानी 96। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को।
आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो सबसे पहले हमें करना है यहां पर लिखना है, माना कि आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर व चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। यहां पर हमने अनुपात दिया है इसलिए इसको 3x और 2x मान लिया है। तो चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप। तो यहां लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र हम सभी जानते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 गुणा लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 2x, तो परिमाप हो जाएगा, यही लिख देते हैं, 3 और 2 हो गया 5, तो 5x गुणा 10, तो सॉरी 5x गुणा 2, तो ये हो जाएगा 10x, 5 गुणी 10 होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर बराबर 10x। तो यहाँ x का मान निकालिए, क्या हो जाएगा 20/10, x बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर x का मान 2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हमें x का मान आ गया, तो यहाँ 3x और 2x जो हमने लंबाई और चौड़ाई भी मानी है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 3 गुणा 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 2 गुणा 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब आप क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं, देखिए हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी हमने लिखा है, यहाँ हो जाएगा 6 गुणा 4 बराबर 6×24 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत ही अच्छा और इजी सवाल था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 6 है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है, यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन देखिए, ए है 80 मीटर, बी 30 मीटर, सी 90 मीटर और डी 100 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई को मानना होगा। सवाल को फिर से देखिए, यहाँ दिया है कि चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है, यानी चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है। तो अगर मैंने चौड़ाई को x माना, क्योंकि चौड़ाई बराबर x यहां मैंने माना है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसका, ये अगर चौड़ाई 1/3 है तो ये इसका 3 गुना हो जाएगी, चौड़ाई x और लंबाई 3x। तब हम क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप। तो यहां लिखिए आयत का परिमाप या आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ देखिए 2 गुणा लंबाई कितनी है 3x और चौड़ाई कितनी है x, तो इसको देखिए 2 गुणा 3x प्लस x हो जाएगा 4x, तो यहाँ हो जाएगा 4×2 8x। ठीक है, यहाँ पर आयत का परिमाप हमारे पास आ गया 8x। अब हमारे पास जब प्रश्न में दिया है 240, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा 240 बराबर 8x। x का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है 240/8, यहाँ 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8×3=24, तो ये हो जाएगा 30, x बराबर आ गया 30। अगर हमने यहाँ पर चूंकि मीटर है तो यहाँ पर लिख दीजिए मीटर। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 30 मीटर आ गया। हमें पूछा है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर ज्ञात कर देंगे लंबाई। अब देखिए लंबाई ज्ञात करना कितना आसान है, कि हमने लंबाई कितनी मानी है, क्योंकि चौड़ाई x थी लंबाई है 3x, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 3x बराबर 3x, यहाँ x का मान हमने ज्ञात कर लिया 30, तो यहाँ हो जाएगा 3×3=9 और 0 का 0 और इकाई लगेगी मीटर, क्योंकि यहाँ सवाल मीटर में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर यहाँ पर सही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए 7वां सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है,
यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से चार गुनी हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन ए 40 मीटर, बी 70 मीटर, सी 80 मीटर और डी है 90 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई से चार गुनी है, तो यहाँ पर हमें चौड़ाई को x मानना होगा क्योंकि लंबाई यहाँ पर 4x हो जाएगी, चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई लिख देंगे 4x मीटर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लंबाई चौड़ाई से चार गुनी है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? L इंटू बी, इसको कर लीजिए 4x गुणा x, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर क्षेत्रफल है जो कि ये आ जाएगा वर्ग मीटर में। आप लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर। अब यहाँ प्रश्न में देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है, 1600, तो यहाँ पर लिख देंगे 1600 बराबर 4x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर बराबर 1600 बटे 4। अब 4 का भाग लगाइए, 4 × 16, यहाँ आ जाएगा 400। x स्क्वायर बराबर 400 आ जाएगा, तो यहाँ x का मान ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट 400 आ जाएगा। अंडर रूट 400 क्या किसका होगा, ये किसका वर्गमूल है, तो 20। अंडर रूट 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 मीटर। यहाँ x का मान हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। तो अब आप देखिए क्या है, आयत की लंबाई पूछी है, तो लंबाई कितनी थी 4x, तो यहाँ कर लीजिए लंबाई, यहाँ आयत की लंबाई है, यहाँ लिख दीजिए आयत की लंबाई बराबर कितनी थी 4x। तो आप देखिए 4x का मान है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणा 4, 4 दुनी 8 और 0 का 0 और मीटर का मीटर आ जाएगा, तो आयत की लंबाई आ गई हमारे पास 80 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इस वीडियो का अंतिम सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 31 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन है ए 196 मीटर स्क्वायर, बी 110 मीटर स्क्वायर, सी है 200 मीटर स्क्वायर और डी है 198 मीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर देखिए आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी है, तो यहाँ लिख देंगे लंबाई सबसे पहले 31 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर। अब देखिए बाहर चारों ओर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते सहित मैदान की लंबाई ये भी देखनी पड़ेगी, रास्ते सहित मैदान की लंबाई कितनी होगी, 31 प्लस 2 गुणा 2, क्योंकि दोनों तरफ 2-2 मीटर जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 35 मीटर। और यहीं देखिए रास्ते सहित मैदान की यहाँ पर चौड़ाई देखिए, तो ये हो जाएगा 14 + 2 × 2, तो यहाँ होगा 14 × 4 = 18 मीटर। आपको दोनों देखना है। अब देखिए रास्ते सहित मैदान की लंबाई चौड़ाई हो गई, अब यहाँ होगा इन दोनों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर शॉर्टकट में मैं कर लेती हूँ रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रास्ते सहित मैदान की लंबाई चौड़ाई दी है, तो रास्ते सहित यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात होगा, और यहाँ पर जो पहले का हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी थी उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात होगा, और दोनों को हम माइनस करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों की काउंट करेंगे, यहाँ लिख देंगे 35 गुणा 18 माइनस हो जाएगा 31 गुणा 14, ठीक है। अब आपको 35 गुणा 18 और 31 गुणा 14 करना है, यहाँ हो जाएगा 630 माइनस 31 गुणा 14 करेंगे 434, यहाँ पर 630 माइनस 434 करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा 196, ठीक है 196। यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ वर्ग मीटर में काउंट होगा। फिर से देख लीजिएगा रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आया, रास्ते सहित मैदान की लंबाई और रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, 2 × 2 इसलिए किया क्योंकि दोनों ओर 2-2 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ था, तो पहले रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल और
जो अंदर का मैदान का क्षेत्रफल दिया है उन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हमें उसको माइनस करना है, या आगे 630 या 434, और हमें उत्तर प्राप्त हो गया 196, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इस वीडियो में हमने आयत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हल किए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में जीरो से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।